हेलो एवरीवन वेलकम टू पवन वाघ अकेडमी आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो हम लोगों ने स्कूल में भी मतलब आप लोगों ने उसको स्कूल में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप लोगों ने जो भी उसमें टॉपिक्स आते हैं जैसे कि कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रजिस्टेंस रजिस्टिविटी ये सारी चीज़ें आप लोग आपके स्कूल डेज में पढ़ चुके हो तो यहाँ पर जैसे उस चीज का एक रिविजन होने वाला है साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी स्टडी करोगे जैसे कि सेल्स ई एम एफ कैल्कुलेशन ये सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में आएगी अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्वेल्थ स्टेट बोर्ड में हर साल इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स पेपर में देखने को मिलते हैं ठीक है ठीके? बहुत सारे दो तीन न्यूमेरिकल्स तो आते ही है दो या सिंगल न्यूमेरिकल आता है वो आता है और साथ ही साथ आपको डेरीवेशनस आते हैं यहाँ से अलग अलग टाइप के सेल पूछे जाते हैं तो ये वाला चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की और अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एंट्रेंस के लिए भी प्रिप्रेशन कर रहे हो तो अगर आपको फॉर्मूले आ जाते हैं इस चैप्टर्स के रिलेटेड तो आप लोग वहाँ पे भी बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते हो ठीक है तो ये वाला चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोग ध्यान देते हो तो हम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल रही है एक है आपकी इलेक्ट्रिसिटी और एक है आपकी केमिकल मतलब यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है वो मुझे देखने को मिल रही है केमिकल एनर्जी तो आपकी टोटल टू टाइप की एनर्जीज होती है एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक होती है केमिकल एनर्जी तो मैं आपको ऐसा बोलूंगी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस The branch of science which involves interconversion, which involves interconversion of electrical and chemical energy. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखती हूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले वर्ड में ही आपको एक्चुअली दो वर्ड्स दिख रहे हैं सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेकेंड वर्ड आपको दिख रहा है केमिकल एनर्जी तो एक ऐसा ब्रांच साइंस का जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्शन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मतलब एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में इंटर कन्वर्शन स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का तो ऐसे साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लो इसका स्क्रीनशॉट चलिए अब अगर मैं बात करूँ ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेजर आपके जो दो टाइप्स रहेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं कौन से कौन से टाइप्स रहेंगे सबसे पहला टाइप आप लोग इस चैप्टर में देखोगे जो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें आप मेजर दो टाइप्स देखोगे ठीक है तो पहला टाइप आपका रहेगा जिसमें आप लोग स्टडी करोगे सारे के सारे कंडक्टेंस रिलेटेड थिंग्स को कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रजिस्टेंस रजिस्टिविटी वो सारा आपका एक पार्ट रहेगा ठीक है और सेकेंड पार्ट जो आपका रहेगा वो रहेंगे सेल्स मतलब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जिसमें मुझे स्टडी करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्सन उसमें एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में दो मेजर टाइप्स पढ़ेंगे पहला टाइप रहेगा कंडक्टेंस रिलेटेड टाइप और सेकेंड रहेगा आपका सेल्स तो ये दोनों है कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट बट ये दोनों को क्लब करके दिया गया है आपको इस चैप्टर में तो पहले हम लोग इस पार्ट को देखेंगे फिर साइमल्टेनियसली हम लोग इस पार्ट को देखेंगे दोनों के दोनों ही पार्ट पेपर में आते हैं अगर आपको याद रखना है आपको ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दोनों पार्ट है ये दोनों अलग अलग है मुझे कहना ये है आपको इंटरप्रिटेशन ये करना है कि यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है इसीलिए ये दोनों के दोनों पार्ट कैसे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले हम लोग इस पार्ट की सारी चीज़ों को देखेंगे इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे फिर इस पार्ट को देखेंगे और इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे ठीक है तो देखते हैं सबसे पहला पार्ट जिसका नाम है कंडक्टेंस तो सबसे पहला आपका टॉपिक है अब आप लोगों ने स्कूल डे से पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स क्या होता है तो आप सबको पता होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है कंडक्टर्स इसका मतलब क्या हुआ होगा कि वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते है ना इसीलिए तो उसका नाम है कंडक्टर्स क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है कंडक्ट आई नो ये बहुत बेसिक थिंग है लेकिन ये बेसिक पढ़े बिना हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते और ये वाली चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी भी है तो आप लोगों को ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऐसी पढ़ते हैं जो हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी तो प्रॉब्लम्स आती है बट ये सारी चीज़ें आप लोग बेसिक्स में आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो तो आपको हेल्प मिलेगा ठीक है तो ऐसा सब्सटेंस मैं लिख सकती हूँ एक ऐसा सब्सटेंस जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को द सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ठीक है और द सब्सटेंस और एक ऐसा सब्सटेंस जो शो करता है चार्ज ट्रांसफर को और हम लोग लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को ठीक तो है तो आपके जो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं कंडक्ट और साथ ही साथ जो आपका शो करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टर्स आपके जो सेकंड काम की बात है वो ये है कि जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं कंडक्टर्स वो शो करते हैं कंडक्शन शोस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो यहाँ पे बस मैंने दो ही चीजें देखी वो चीज ये देखी कि जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जिनमें से फ्लो होता है चार्ज का ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टर्स क्योंकि उनका नाम ही है कंडक्टर्स इसीलिए वो एक्चुअली क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं ठीक है थीके? इसका ले लो स्क्रीन अब जो भी आपका कंडक्शन होता है कंडक्शन के भी होते हैं दो टाइप्स एक होता है आपका मेटालिक कंडक्शन और एक होता है आपका आयोनिक कंडक्शन जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो हम लोग वो दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पहले मैं मेटालिक को पढ़ूंगी फिर मैं आयोनिक को पढ़ूंगी ऐसा नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे उनको कंपेरिटि फॉर्म में अगर हम लोग कंपेरेटिव फॉर्म में ये दोनों टाइप्स को पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को एक्चुअली समझ में आएगा कि किस में क्या डिफरेंस आ रहा है और जब डिफरेंस आता है तभी जाके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते हैं ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कंडक्शन के टोटल दो टाइप्स को तो जो भी आपका कंडक्शन होता है उसके दो टाइप्स होते हैं मेजर टाइप्स पहला टाइप जो आपका कंडक्शन का होता है वो होता है मेटालिक कंडक्शन मेटालिक कंडक्शन और सेकेंड टाइप जो आपका कंडक्शन का होता है वो होता है आयोनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो कंडक्शन के टोटल दो टाइप्स होते हैं एक होता है आपका मेटालिक कंडक्शन और एक होता है आपका आयोनिक कंडक्शन आप लोग बिल्कुल इसको डिस्टिंग्विशिंग के फॉर्म में लिख सकते हो और यहाँ पे आपको लिखने हैं दो पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा पॉइंट्स के लिए स्पेस छोड़ देती हूँ यह है आपका मेटालिक कंडक्शन यहाँ पे आपके आएंगे कुछ पॉइंट्स जो पॉइंट्स के बेसिस पे आपको डिस्टिंग्विशिंग करना है पहला पॉइंट रहेगा आपका कंडक्शन ऑकर्स थ्रू कंडक्टेंस ऑकर्स बाय भी लिख सकते हैं और ऑकर्स थ्रू भी लिख सकते हैं ये रहेगा है आपका फर्स्ट पॉइंट जिसके बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन करना है और सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका ऑकर्स इन ठीक है चलिए देखेंगे इस चीज़ को सबसे पहली चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो कंडक्शन के टोटल है आपके दो टाइप्स एक है आपका मेटालिक कंडक्शन दूसरा है आपका आयोनिक जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी आपको जब भी इसको एक्सप्लेन करना है तो हमेशा आपको पॉइंट्स के फॉर्म में ही एक्सप्लेन करना है अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो मैंने यहाँ पे ये देखा इसका नाम है मेटालिक कंडक्शन और आप लोगों ने हमेशा से पढ़ते आए हो कि जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है है ना मेटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इसीलिए तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ना तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंडक्शन ऑकर्स बाय डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्ट फ्लो से आपका कंडक्शन होता है इसलिए इस टाइप के कंडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं मेटालिक कंडक्शन क्योंकि मेटल्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो कंडक्शन ऑकर्स बाय डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटालिक कंडक्शन चलिए अब मुझे एक बात बताइए इसका नाम ही है आयोनिक कंडक्शन नाम ही कह रहा है आयोनिक कंडक्शन तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे इसमें आपके प्रेजेंट होंगे आयंस इसीलिए तो उसका नाम क्या है आयोनिक कंडक्शन तो यहाँ पे जो भी आपका कंडक्शन हो रहा है वो हो रहा है बाय मूवमेंट ऑफ आयंस बाय मूवमेंट ऑफ आयंस जो भी अलग अलग आयन्स है कटायंस आयन्स एन आयन्स उनका जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके वजह से जो भी आपका कंडक्शन हो रहा है वो कंडक्शन आपकी कौन सी कैटेगरी में आता है आयोनिक कंडक्शन के कैटेगरी में ठीक है अब नेक्स्ट है आपका ऑकर्जिन सोचने की बात है इसका नाम ही क्या है मेटालिक कंडक्शन तो ये कहाँ पे ऑकर होंगे मेटल्स में ठीक है इसका नाम ही है आयोनिक कंडक्शन मतलब ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे ये आपको देखने को मिलेंगे सॉल्ट्स में ये आपको देखने को मिलेंगे, मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में ठीक है देखो ये जो हम लोग बेसिक बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं ना ये बेसिक पार्ट से आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बट एक पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता कि एम में किस टाइप के आएंगे क्योंकि एम में कभी भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये है आपका सारा बेसिक डिटेल वाला पार्ट चल रहा है जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे बट एम में क्वेश्चन हंड्रेड आ सकता है ठीक है तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि कंडक्शन के टोटल दो टाइप्स होते हैं पहला होता है मेटालिक कंडक्शन दूसरा होता है आयोनिक और इलेक्ट्रॉलिटिक कंडक्शन फिर मैंने आपको बताया कि कंडक्शंस कैसे होता है मेटल ही है तो मेटल में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन इसलिए इलेक्ट्रॉन के डायरेक्ट फ्लो से आपका कंडक्शन होता है वहाँ पे उसका नाम ही है आयोनिक कंडक्शन मतलब पे किसका मूवमेंट हो रहा है आयंस का दूसरी चीज़ मैंने ये, जाने कि ये कहां पे ऑकर होता है नाम ही है मेटालिक कंडक्शन तो ये होता है मेटल में इसका नाम ही है आयोनिक कंडक्शन तो आयोन्स पे होते सॉल्ट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स में तो ले लो इसका स्क्रीन चलिए ये तो हुआ आपके कंडक्शन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में देखी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन उसी के बाद हम लोगों ने देखा कि कंडक्शन क्या होता है कंडक्टर्स क्या होते हैं कंडक्टर्स हमें कंडक्शन प्रॉपर्टी दिखाते हैं कंडक्शन प्रॉपर्टी के कौन से टाइप्स होते हैं अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट जो कि है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी आपके इस चैप्टर के पिक्चर में आ रही है कंडक्टिविटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट भी स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपके वो सारे लॉज भी स्टार्ट होते हैं इसलिए अब आपको एकदम ध्यान से सुनना है क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसी हैं इंटरलिंक्ड ठीक है तो देखेंगे हम लोग कंडक्टिविटी को तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं फिर समझते द प्रॉपर्टी विच इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विच इंडिकेट्स द प्रॉपर्टी विच इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है ना एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी क्या है ऐसी प्रॉपर्टी है जो बताती है हमें नेचर के ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन जो है उसका नेचर कैसा है क्या सॉल्यूशन का नेचर कंडक्टिंग है या सॉल्यूशन का नेचर नॉन कंडक्टिंग है तो कहना मुझे यह है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको सॉल्यूशन के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है सॉल्यूशन का नेचर कंडक्टिंग है या सॉल्यूशन का नेचर नॉन कंडक्टिंग है ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो कंडक्टिविटी ठीक है तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या बताती है सोल्यूशन के नेचर के बारे में कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है क्योंकि देखो नेचर के टाइप कौन से कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग तो प्रॉपर्टी का नाम भी क्या रहेगा कंडक्टिविटी ठीक है अब आपका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप की कंडक्टिविटी जो होती है उसके बेसिस पे हम लोग क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो मैंने आगे ये देखा कि जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं उसके एक्चुअली दो टाइप होते हैं ठीक है थीके? ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ये कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी तो जो भी आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज आई है उसके बेसिस पे हम लोगों ने सब्सटेंस को एक्चुअली दो टाइप में क्लासिफाई किया है जो आपका पहला टाइप होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट और, और सेकेंड टाइप जो आपका होता है वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट पहला टाइप होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड टाइप होता है, है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने इसको कंडक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया है तो so, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट को तो मुझे एक बात बताना इसका नाम ही है नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है क्या ये डिसोसिएट होगा? होगा क्या ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा नहीं टूटेगा क्योंकि इसका नाम ही है नॉन ये खुद बता रहा है कि मैं टूटने वाला नहीं हूँ मैं डिसोसिएट होने वाला भी नहीं हूँ तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकती हूँ एक ऐसा सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस च डू नॉट डिसोसिएट विच डू नॉट डिसोसिएट एक ऐसा सब्सटेंस जो टूटता नहीं है एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट नहीं होता है ठीक है इस कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई होप आपको यह समझ में आ गया हो क्योंकि इसका नाम ही है नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो खुद बता रहा है कि भाई साहब मैं टूटने वाला नहीं हूं मैं डिसोसिएट होने वाला नहीं हूं तो एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट नहीं होता है ठीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट सोचने की बात है इसका नाम था नॉन इसलिए ये डिसोसिएट नहीं हो रहा था तो अब ये क्या होगा डिसोसिएट होगा तो मैं लिख सकती हूँ एक ऐसा सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस विच डिसोसिएट एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट होता है Which dissociate इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ये है मुझे एक बात बताना ध्यान से अब ये वाला जो सब्सटेंस है नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं अगर वो डिसोसिएट नहीं होंगे तो क्या आयंस प्रोड्यूस होंगे नहीं तो ध्यान से देखना है मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये वाले जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो डिसोसिएट होते ही नहीं है अगर वो डिसोसिएट होंगे ही नहीं अगर वो टूटेंगे ही नहीं तो क्या आपके आयन्स प्रोड्यूस होंगे आपके आयन्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे सोचने की बात है ना अगर आपने सॉल्ट लिया है अगर वो सॉल्ट टूटता नहीं है अगर वो सॉल्ट डिसोसिएट नहीं होता है तो आयंस भी प्रोड्यूस नहीं होंगे अगर आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जो आपकी कंडक्टिविटी है ना वो कैसी रहेंगी इक्वल टू दी कंडक्टिविटी ऑफ वाटर मतलब आपकी जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है इक्वल टू दी कंडक्टिविटी ऑफ पानी इक्वल टू दी कंडक्टिविटी ऑफ वाटर समझा या नहीं तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो टूटते नहीं हैं जो डिसोसिएट नहीं होते है. अगर वो डिसोसिएट ही नहीं होंगे तो आयंस प्रोड्यूस होंगे क्या नहीं होंगे अगर आयन से प्रोड्यूस नहीं होंगे तो यहाँ पे जो भी कंडक्टिविटी रहेगी वो किसके बराबर रहेगी कंडक्टिविटी ऑफ पानी के बराबर हुँ? अब आगे मैंने यहाँ ये यह देखा इसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पे आने वाला है ये है आपके इलेक्ट्रोलाइट तो ये हो रहे हैं डिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट होते हैं अगर वो डिसोसिएट होंगे अगर वो टूटेंगे तो वहाँ पर आयन्स क्या होंगे प्रोड्यूस तो वहाँ पर आपके आयनस प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ये है आपके इलेक्ट्रोलाइट ये टूट जाते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं तो आपके यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होते हैं अगर आपके आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो ऐसे केस में आपकी जो भी कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो भी होती है ना वो होती है ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ पानी ठीक है क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन होगा यहाँ पे आपका सॉल्ट टूटेगा यहाँ पे आयंस बनेंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी इसलिए जो भी कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो कैसी होती है ग्रेटर देन दी कंडक्टिविटी ऑफ पानी ठीक है ले लो इसका स्क्रीन अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स की तो आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में एग्जाम्पल्स होते हैं आपके सुक्रोस साथ ही साथ आपका यूरिया सुक्रोस और यूरिया जो है ये होते हैं आपके एग्जाम्पल्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट के ठीक है अब नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइट में आपके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो रहेंगे आपके अलग अलग टाइप के सोचने की बात है अगर आप सुक्रोस के अंदर डालते हो तो क्या वो टूटता है नहीं टूटता है अगर आपने यूरिया को पानी के अंदर डाला तो क्या वो डिसोसिएट होता है नहीं होता है है ना इसीलिए जो भी कंडक्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है पानी के बराबर मतलब मैंने यहां ये यह जाना कि अगर मैंने लिया है पानी को मतलब ही वाटर को उसके अंदर में अगर मैंने डाला सुक्रोस को तो क्या वो टूटेगा नहीं क्योंकि वो कैसा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर वो टूटेगा ही नहीं तो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी किसके बराबर रहेगी कंडक्टिविटी ऑफ पानी के बराबर क्योंकि ये तो टूटेगा ही नहीं ना तो जो कंडक्टिविटी पानी की रहेगी वही कंडक्टिविटी वो आपको शो करेगा सोल्यूशन वैसे ही अगर मैं ले लूँ यूरिया को अगर मैंने यूरिया को भी डाला है पानी के अंदर में तो क्या यूरिया पानी के अंदर डिसोसिएट होगा नहीं क्या यूरिया पानी के अंदर टूटेगा नहीं तो यूरिया कोई कंडक्टिविटी शो करेगा क्या नहीं तो जो भी आपका यूरिया का सोल्यूशन रहेगा उसकी भी कंडक्टिविटी किसके बराबर आएगी पानी के बराबर क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं दिखाएगा ना तो सोल्यूशन में फिर क्या बचता है पानी तो बस कंडक्टिविटी जो सोल्यूशन की रहेगी वो किसके बराबर रहेगी पानी के बराबर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सॉल्ट की तो आप लोग अपने घर का एग्जाम्पल ले लो पानी लो नमक डालो सॉल्ट डाल दो उसके अंदर में नमक डाला पानी डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर में आपका नमक क्या हो जाएगा डिजॉल्व हो जाएगा होगा या नहीं होगा होगा इसका मतलब ये जो सॉल्ट है ये क्या होंगे डिसोसिएट होंगे अगर ये डिसोसिएट होते हैं तो जो भी कंडक्टिविटी रहती है सॉल्यूशन की सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टिविटी रहती है आपकी वो कैसी रहती है ग्रेटर दैन दी कंडक्टिविटी ऑफ पानी हुँ? अब हम लोग देखेंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स तो जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके फर्दर और दो टाइप होते हैं पहला टाइप होता है आपका स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड टाइप आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स होते हैं दो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट मुझे एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये डिसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होते है. तो अब मुझे बताना अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों किसका टाइप है इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये भी डिसोसिएट होगा ये भी डिसोसिएट होगा यस और नो यस क्योंकि ये दोनों टाइप है इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है मतलब स्ट्रॉन्ग भी डिसोसिएट होगा और वीक भी डिसोसिएट होगा लेकिन देखो ध्यान से मैंने यहाँ पे ये जाना इसका नाम ही है स्ट्रोंग मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे कम्प्लीटली डिसोसिएट मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आपकी पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे एक्वस मीडियम में एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि आपके पानी के अंदर में ये पूरी तरह से टूट जाएंगे पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे इसलिए इनका नाम कैसा है स्ट्रोंग स्ट्रोंग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पूरी तरह से टूट जाएंगे अब मुझे एक बात बताओ ये भी है इलेक्ट्रोलाइट का टाइप ये भी है इलेक्ट्रोलाइट का टाइप मतलब दोनों के दोनों डिसोसिएट तो होंगे दोनों के दोनों टूटेंगे तो सही बट स्ट्रांग में वो डिसोसिएट हो रहा है कम्पलीटली बहुत ज्यादा हाइयर एक्सटेंट पे हाइयर एक्सटेंट पे वो डिसोसिएट हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ स्ट्रांग में है हायर एक्सटेंट तो वीक में कैसा रहेगा लोअर एक्सटेंट उसका उल्टा तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं पार्शियली डिसोसिएट पार्शियली डिसोसिएट होते हैं ठीक है मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो डिसोसिएट होते हैं लोअर एक्सटेंट पे कम एक्सटेंट तक के जो डिसोसिएट होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का टाइप क्या रहेगा नाम रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मुझे एग्जाम्पल देना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो क्या मुझे रट्टा मानना पड़ेगा नहीं देखो अगर मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस को तो वो किसका टाइप रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो वो टाइप रहेगा आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर मैं बोलती हूँ वीक एसिड वीक बेस तो वो किसका टाइप रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का ले लो इसका स्क्रीन चलिए ये तो हुआ आपके सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन कंडक्टिविटी वैल्यू के हिसाब से पहला था इलेक्ट्रोलाइट फिर था नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट को फिर से मैंने दो टाइप में क्लासिफाई किया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से अब हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी वैल्यूज़ के हिसाब से तो आपने इसका स्क्रीन तो ले लिया चलिए मूव करते हैं आगे के पार्ट की तरफ अगर मैं बात करती हूँ आगे तो मैंने यहाँ पर ये जाना कि जो भी मेरी कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी जो भी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ आयंस के ऊपर में नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस जितने भी नंबर ऑफ़ आयंस आपके प्रोड्यूस होते हैं या जितने भी नंबर ऑफ़ आयंस आपके फॉर्म होते हैं कंडक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करती है अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टिविटी कैसी रहेगी ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टिविटी कैसी रहेगी कम अब देखेंगे आगे आगे मैंने यहाँ पे ये जाना ध्यान से सुनना ध्यान से अगर मैं बात कर रही हूँ स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट की ठीक है और अगर मैं बात कर रही हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो मैंने यहां पे यह जाना कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं ठीक है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे ठीक है अगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे अगर ये पूरी तरह से टूट जाएंगे तो मुझे बताओ अगर ये पूरी तरह से टूट जाते हैं पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपके आयंस कैसे प्रोड्यूस होंगे ज़्यादा तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरे नंबर ऑफ़ आयंस रहेंगे नंबर ऑफ आयंस फॉर्म और नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस ये कैसे रहेंगे ये रहेंगे आपके ग्रेटर यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ये कैसे पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है पूरी तरह से टूट रहा है जितना ज़्यादा टूटेगा उतने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे अब मुझे एक बात बताओ इसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे अगर नंबर ऑफ़ आयंस प्रोड्यूज आर ज़्यादा आर ग्रेटर तो कंडक्टिविटी भी कैसी रहेंगी ग्रेटर तो यहाँ पे आपकी जो कंडक्टिविटी रहती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो कैसी रहती है कंडक्टिविटी इज़ हाइयर ठीक है सीधा सीधा इसका उल्टा कर देंगे इसका नाम ही है वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा ये होगा आपका पार्शियली डिसोसिएट ये होगा आपका पार्शियली डिसोसिएट अब सोचने की बात है अगर ये पार्शियली डिसोसिएट होगा अगर ये डिसोसिएट ही कम होगा अगर ये टूटेगा ही कम तो यहाँ पे आयंस भी कैसे प्रोड्यूस होंगे कम कम टूटेगा तो आयंस भी कैसे प्रोड्यूस होंगे कम तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूज नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस आर लोअर और मैं लिख सकती हूँ लेस आपके लेस आयन्स प्रोड्यूस होंगे किसके केस में वीक के इलेक्ट्रोलाइट के, के केस में अब ध्यान से सुनना कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयन्स को अब यहाँ पे आपका डिसोसिएशन ही कम हो रहा है यहां पे आपका टूटी कम रहे है तो आयंस भी कम प्रोड्यूस हो रहे अगर नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होते हैं अगर यह है कम तो कंडक्टिविटी भी कैसा रहेगा कम तो मैं यहां पे लिखूंगी कंडक्टिविटी इज लेस तो अब आप लोग ले सकते हो इस चीज का स्क्रीनशॉट चलिए अब हम लोग आके देखेंगे आपके जो भी अलग अलग टाइप्स के कंडक्टेंस के जैसे कि कंडक्टेंस के कौन से कौन से टाइप्स होते हैं कंडक्टिविटी कौन सी होती है रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टिविटी क्या होता है वोल्टेज क्या होता है करंट क्या होता है ये सारी चीज़ें हम लोग क्विकली एकदम फाइव मिनट्स या टेन मिनट्स के अंदर में सारे कंसेप्ट्स सारी चीज़ें सारे यूनिट्स और फार्मूलेस देख लेंगे ठीक है ये वाले फॉर्मूले को आपको ऐसा नहीं समझना है क्योंकि यहाँ से आपके कैलकुलेशंस आते हैं जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेटिव पार्ट वहाँ से आपके कैलकुलेशंस आपको फ्यूचर में आएंगे फ्यूचर में आएंगे मतलब इस चैप्टर में भी आएंगे और फर्दर भी आपको स्टडी करना है तो ये वाले पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ये वाला पार्ट देखते हो तो आपको फिजिक्स में भी जो इलेक्ट्रो वाली पार्ट होता है इलेक्ट्रो वाला मतलब फिजिक्स टू वाला पार्ट वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है तो देखेंगे हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना चलिए देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके ओम स्लॉ को तो जो भी आपका होता है वो क्या कहता है कि जो भी आपका वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट को ओम्स लॉ मुझे ये कहता है कि जो भी वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट को यानी कि मैंने यहां ये जाना वोल्टेज का मतलब क्या होता है वी करंट का मतलब क्या होता है आई तो जो भी आपका वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई को आगे मैंने यहां ये यह जाना कि अगर मैं यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटा दूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो वहां पे क्या आता है वहां पे आता है इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट। यस और नो है ना कभी भी कहीं पे भी देख लो फिजिक्स में तो हर जगह पे देख लो कहीं पे भी अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो वहां पे आपका इक्वल्स टू और क्या आता है कांस्टेंट तो सेम यहां पे भी वैसे ही होगा अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटा देती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट ठीक है इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आया है आपका तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि वी इक्वल्स टू आई आर और ये वाली थी थी चीज़ आप लोगों ने टेंथ स्टैंडर्ड में कैलकुलेशन के वक्त खूब ज़्यादा यूज़ की होगी येस और नो है ना तो आगे मैंने यहाँ ये यह जाना कि जो भी मेरा यहाँ V है इस V का मतलब होता है वोल्टेज ठीक है और वोल्टेज का यूनिट होता है आपका वोल्ट वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट जिसको मैं V से भी रिप्रेजेंट करती हूँ ठीक है नेक्स्ट रहता है आपका करंट जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ I से जो भी करंट होता है करंट का आपका यूनिट होता है एम्पियर एम्पियर को हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट है आपका आर आर का मतलब होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू जो होता है रेजिस्टेंस। आर का मतलब होता है आपकी कांस्टेंट वैल्यू जो होता है आपका रेजिस्टेंस। और जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं ओम से ओम उसका यूनिट होता है ओम को हम लोग इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रही आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी ओम स्लॉ कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्सन होता है करंट को V का मतलब होता है वोल्टेज I का मतलब होता है करंट ये दोनों है एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो वहाँ पे क्या आता है इक्वल टू और R तो बस वही वाली चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है और मैंने आपको सार सबके यूनिट्स बताए यूनिट से बहुत काम की चीज़ इसलिए आपको भूलना नहीं है वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट जिसको हम लोग लिखते हैं वी से एम्पेयर जो होता है वो करंट का यूनिट होता है जिसको हम लोग ए से लिखते हैं और आर का मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम जिसको हम लोग इस टाइप के सिम्बॉल से लिखते हैं चलिए देखेंगे आगे आगे का पार्ट मेरा ये कहता है कि जो भी मेरा रजिस्टेंस होता है रजिस्टेंस मतलब ही आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया को ठीक है रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया को तो सोचने की बात ये है मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ कि रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एल का मतलब यहाँ पे क्या है एल का मतलब है आपकी यहाँ पे लेंथ लेंथ को आप मीटर में भी ले सकते हो और सेंटीमीटर में भी ले सकते हो ठीक है फिलहाल हम लोग को टाइमिंग के लिए हम लोग इसको मीटर में लेते हैं ठीक है एम फोर क्या हो जाएगा मीटर अब आपका है ए ए का मतलब क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं ए और एरिया जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है लेंथ का स्क्वायर मतलब ही मीटर का स्क्वायर ठीक है अब आगे मैंने यहाँ ये यह जाना कि यहाँ से भी फिर से अगर मैं इस प्रपोर्शनलिटी साइन को हटा देती हूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा यहाँ पे भी आपका आएगा इक्वल्स टू क्योंकि इस प्रपोर्शनलिटी की जगह पे हमेशा क्या आता है सबसे पहले इक्वल्स टू आता है और कुछ ना कुछ आता है कॉन्स्टेंट लेंथ अपॉन एरिया ठीक है तो यहाँ पे आपका जो भी कांस्टेंट आया है ना वो कांस्टेंट है आपका ये ये रो जो होता है ना इसी का मतलब होता है रेजिस्टिविटी रो का मतलब होती है आपकी रेजिस्टिविटी जो है आपके कॉन्स्टेंट वैल्यू तो मैंने यहाँ ये जाना कि जो रजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है लेंथ को इनवर्सली प्रपोर्सन होता है एरिया को जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है उसी का मतलब क्या होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है चलिए देखेंगे आगे यहाँ पे आपको फिजिक्स में भी काफी हेल्प मिल जाएगी इलेक्ट्रो वाला पार्ट जो होता है फिजिक्स टू का वहां पे थोड़ा सा ही आता है तो वहां पे हेल्प मिल जाता है ठीक है आगे देखेंगे आगे मैंने यहां ये यह जाना सीधी सीधी बात अगर मैं इस रो के टर्म्स में लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ आर इंटू ए अपॉन एल येस और नो कुछ भी नहीं होने वाला है इस ए को मैंने ऊपर भेज दिया तो ये बन गया आपका आर इन ए और ये वाला एल नीचे आ गया ये गया ऊपर, ये एल आया नीचे तो बस मैंने इसको वैसे ही लिख दिया है और कुछ भी मैंने नहीं किया है अब मैंने आगे ये जाना कि अगर मैं इस रजिस्टिविटी को आगे लिखना चाहती हूँ तो इस रजिस्टिविटी को मुझे एक बात बताओ कि जो आपका है आर मतलब भी जो भी है आपका रजिस्टेंस रजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है रजिस्टेंस का यूनिट होता है आपका ओम ठीक है उसके बाद में है आपकी एरिया एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर का स्क्वायर जो भी आपका लेंथ होता है लेंथ का यूनिट क्या है मीटर मीटर से मीटर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल तो मैंने यहाँ ये जाना कि जो भी मेरा रजिस्टिविटी होता है उसका यूनिट क्या होता है ओम मीटर ये होता है आपका यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ठीक है समझा या नहीं तो आपको रट्टा नहीं मानना है जो भी बस दिख रहा है आपको उसी फॉर्म में आपको लिखना है तो आप लोग निकाल सकते ठीक है अब हम लोग देखेंगे आगे आगे मैंने यहां ये यह जाना आगे मैंने यहां ये यह जाना कि जो आपका रजिस्टेंस होता है ना जो भी आपका रजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस को ठीक है रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस ठीक है तो मैंने यहां ये यह देखा कि जो भी मेरा जी होता है जी का मतलब ही होता है कंडक्टेंस जी का मतलब क्या होता है कंडक्टेंस आर का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस जी का मतलब क्या होता है कंडक्टेंस ठीक है देखेंगे आगे अब आगे मैंने यह देखा कि जो भी रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सलीपोश वो डायरेक्टली प्रपोर्सनल होता है लेंथ को इन्वर्सली प्रपोशनल होता है एरिया को तो मैं लिख सकती हूँ कि जो भी मेरा कंडक्टेंस होगा कंडक्टेंस वो डायरेक्टली प्रपोर्सनल होगा एरिया को और इन्वर्सली प्रपोर्सनल होगा लेंथ को क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को तो रेजिस्टेंस का मीनिंग ही क्या हुआ रो इन टू एल अपॉन ए अब यहाँ पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस का मतलब है लेंथ अपॉन एरिया तो कंडक्टेंस का मतलब क्या रहेगा एरिया अपॉन लेंथ उसका उल्टा कर दिया बस उल्टा ही करना है और कुछ भी नहीं करना है अब सीधी सीधी बात इस कंडक्टेंस को मैं यहाँ पे जी से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अगर मुझे इस प्रपोर्सनलिटी वाले साइन को हटाना है तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल्स टू आएगा और कुछ ना कुछ क्या आएगा कॉन्स्टेंट तो वो कॉन्स्टेंट है आपका के ठीक है एरिया का मतलब हो जाएगा ए और लेंथ का मतलब हो जाएगा एल ठीक है तो जो भी यहाँ पे आपका के आया है ना के इस के का मतलब क्या होता है कंडक्टिविटी सोचने की बात है जब मैंने लिया रजिस्टेंस जो डायरेक्टली लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया को मतलब ही लेंथ अपॉन एरिया तो वहाँ पे जो कांस्टेंट निकला रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो कांस्टेंट निकला उसका नाम क्या था रेजिस्टिविटी अब यहाँ पे मैंने लिखा है कंडक्टेंस का फॉर्मूला तो कंडक्टेंस के फॉर्मूले में जो भी कॉन्स्टेंट निकलेगा उसका नाम क्या रहेगा कंडक्टिविटी इसलिए मैंने क्या लिखा है कंडक्टिविटी को आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मैं इस कंडक्टिविटी को लिखना चाहती हूँ तो मैं इस कंडक्टिविटी को ऐसे भी लिख सकती हूँ इक्वल्स टू जी इन टू एल अपॉन ए ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते लिख सकते इस एल को मैंने भेज दिया ऊपर ए को भेज दिया नीचे अब मुझे एक बात बताओ कि आपका जो रजिस्टेंस है रजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम ठीक है तो जो भी आपका कंडक्टेंस रहेगा कंडक्टेंस कंडक्टेंस का आपका यूनिट क्या रहेगा आपका यूनिट रहेगा ओम इनवर्स ठीक है रजिस्टेंस का यूनिट है ओम कंडक्टेंस है उसका उल्टा तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या रहेगा ओम इनवर्स ठीक है आगे मैंने यहाँ ये देखा कि जो भी मेरी रजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी के क्या होती है इनवर्स ठीक है पहले इतना पार्ट का स्क्रीन ले लो फिर हम लोग देखेंगे आगे आगे मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मेरी कंडक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रपोर्शन होती है रजिस्टिविटी को जैसे आपका रजिस्टेंस जो होता है रजिस्टेंस यानी कि आर वो इन्वर्सली प्रपोर्सन होता है कंडक्टेंस को मतलब कि जी इन द सेम फैशन जो भी आपकी रेजिस्टिविटी रहेंगी रेजिस्टिविटी मतलब रो वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसको कंडक्टिविटी को कंडक्टिविटी का मतलब क्या रहेगा के ठीक है अब मुझे एक बात बताना कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है आपका ओम मीटर ये होता है आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट तो जो भी आपकी कंडक्टिविटी है उसका यूनिट क्या रहेगा जिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर तो कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या रहेगा यूनिट क्या रहेगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ठीक है आगे मैंने यहाँ ये देखा कि जो भी मेरा ओम इनवर्स होता है उसी का मतलब होता है एस उसी का मतलब होता है साइमेन तो आपकी इच्छा कहीं पे आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हो आप साइमेन में लिख सकते हो तो ओम इनवर्स का ही मतलब होता है साइमेन साइमेन तो अगर मुझे के का और फर्दर यूनिट लिखना है तो देखो मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पे आपका आ रहा है ओम इनवर्स ओम इनवर्स की जगह मैं साइमन भी लिख सकती हूँ मीटर इनवर्स एज इट इज ठीक है तो रजिस्टिविटी के यूनिट से मैं कंडक्टिविटी का यूनिट निकाल सकती हूँ ओम इनवर्स जो होता है उसको साइमन नाम के साइंटिस्ट ने बताया इसलिए उसका नाम है एस मतलब इस साइमन तो ओम इनवर्स की जगह पर हम लोग साइमन भी लिख सकते हैं ले लो इसका स्क्रीन चलिए ये तो हम लोगों ने सब देख लिया कंडक्टिविटी क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है रेजिस्टिविटी क्या होती है कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टेंस क्या होता है सब देखा अब हम लोग देखेंगे सबसे काम का पार्ट जो होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी ये पार्ट से आपको एंट्रेंस में जेई नीट एम एस में भी क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए साथ ही साथ ये वाले पार्ट से हर साल स्टेट बोर्ड के एग्जाम में एक तो आपको वो पूछेगा डेफिनेशन बताओ या तो वो आपको पूछेगा न्यूमेरिकल लेकिन हर साल पेपर में आता है हर साल इसलिए ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आपको अपनी आँखें दिमाग और कान तीनों को खोल के इस चीज़ को सुनना है सो तो देखेंगे मूलर कंडक्टिविटी को तो नेक्स्ट पार्ट है आपका मूलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी में मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो मेरी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको मैं उल्टे ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करती हूँ उल्टा ट्राइंगल बोलो या सीधा ट्राइंगल बोलो जैसी भी आपकी इच्छा आप इस टाइप के उल्टे वी से उसको रिप्रेजेंट करते हो तो समझ जाओ ये है आपका वी तो वी का अगर उल्टा किया तो क्या हो जाएगा ये तो उल्टा वी मतलब अपोजिट जो वी होता का होता है उसी का मतलब क्या होता है आपकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले देखेंगे इसके रेशो को फिर समझते हैं तो रेशो आपका जो होता है मतलब आपकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है द रेशो ऑफ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द मोलर कंसेंट्रेशन टू द मोलर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी तो देखो यहाँ पे आपके जो मोलर कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे वी से तो ये हुआ आपका मोलर कंडक्टिविटी ये होता है दो चीजों का रेशो तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका ये उल्टा ट्राइंगल है इसी का मतलब क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी नेक्स्ट जो है आपका के इस के का मतलब होता है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो होता है आपका सी इस सी का मतलब होता है आपका मोलर कंसंट्रेशन तो ध्यान से देखेंगे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको ये डेफिनेशन को रट्टा नहीं मानना है पेपर में डेफिनेशन भी आती है छोड़ने का नहीं क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो भी आपका रेशो होता है अगर आप लोग ध्यान से देखते हो किसका रेशो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द मोलर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी आप लोग मुझे खुद ही बताओ यहाँ पे कंसनट्रेशन का नाम कैसा है मोलर कंसनट्रेशन इसीलिए कंडक्टिविटी का भी नाम क्या है मोलर कंडक्टिविटी तो आप जब कंसेंट्रेशन को लिखोगे तो वहां पे आप कंसनट्रेशन ही मत लिखना मोलर लिखनाट्रेशन लिखना क्योंकि इस मोलर मीनिंग का बहुत इस का बहुत इस मोलर वर्ड का खतरनाक वाला मीनिंग है नाम ही है मोलर तो कंडक्टिविटी भी कैसे रहेगी मोलर कंडक्टिविटी तो जो भी आपका रेशो रहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टू दी मोलर कंसेंट्रेशन वही आपका क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी अब देखेंगे हम लोग इसके यूनिट को अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो जो भी आपके कंडक्टिविटी का यूनिट होता है वो क्या होता है तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी उसका मुझे निकालना है यूनिट तो ये है के अपॉन सी तो जो भी आपकी कंडक्टिविटी होती है जैसे कि मैंने अभी भी देखा कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है साइमेन मीटर इनवर्स है ना या तो आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो अपॉन आपका है कंसनट्रेशन अब मुझे एक बात बताओ इसका नाम है मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन तो इसका जो आपका यूनिट रहता है ना वो रहता है मोल पर मीटर क्यूब कहीं पे मोल पर डीएम क्यूब दिखेगा मीटर क्यूब दिखेगा सेंटीमीटर क्यूब दिखेगा वो वैरी होते जाता है तो इसका यूनिट क्या है मोल पर मीटर क्यूब मोल क्यों आया क्योंकि कंसनट्रेशन का भी नाम क्या है मोलर कंसनट्रेशन तो ये है आपका मोल अपॉन मीटर क्यूब ये मीटर क्यूब ऊपर चले गया ठीक है कुछ इस तरीके से आगे देखेंगे अगर मैं आगे इसको सॉल्व करने जाती हूँ तो ये है आपका साइमन एज इट इज़ ये है आपका मोल एज इट इज़ अगर यहाँ पे है माइनस वन और प्लस थ्री तो थ्री माइनस वन कितना होता है टू तो इसका यूनिट आता है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपको याद रखना है कहीं पे आपको मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आपको उसका यूनिट भी पूछा जाता है यूनिट आपको रट्टा नहीं मानना है आपको यूनिट अपने लिए डिराइव करना है इसका यूनिट रख दो इसका यूनिट रख दो देख लो और कैलकुलेट करके बता दो तो रट्टा मत मारो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको वहाँ यूनिट भी लिखना है अगर यूनिट नहीं लिखते तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा ठीक है तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी उसका यूनिट मैंने बताया साइमन मीटर इनवर्स जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी थी उसका यूनिट क्या है साइमन मीटर स्क्वायर मोल ठीक है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है पेपर में आपको आइडेंटिफाई करना जो रहेगा ना वो यूनिट से आइडेंटिफाई करोगे अगर पेपर में आपको मेंशन नहीं किया है कि भाई ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये मोलर कंडक्टिविटी तो आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है आपको देखना है सबसे पहले उसके यूनिट क्योंकि आप यूनिट देख के बता सकते हो कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है ठीक है ले लो स्क्रीनशॉट चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि आप लोगों ने सॉल्यूशन केमिस्ट्री की अगर वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका कंसंट्रेशन होता है या तो आपका जो भी मोलर कंसंट्रेशन होता है मतलब ही सी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को ठीक है तो मुझे एक बात बताओ कि कंडक्टिविटी जो होती है जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसी का मतलब होता है के अपॉन सी तो अगर मुझे इसको और एक टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ के इन वी के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ यस और नो तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे आपका क्या है वन अपॉन सी और इस वन अपॉन सी को ही मैंने क्या लिखा है वी तो मैंने यहाँ पे बस इतना देखा कि आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो के इंटू वन अपॉन सी और वन अपॉन सी का ही मतलब क्या होता है वी क्योंकि आपका जो कंसनट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रपोशनल है वॉल्यूम को तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ कि वन अपॉन सी मतलब ही होता है वी क्योंकि ये कैसे एक दूसरे को इनवर्सली प्रपोशनल तो आपको अगर पेपर में मोलर कन्डक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आपको पैनिक नहीं होना है अगर कंसनट्रेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको याद रखना है कि वन अपॉन कंसनट्रेशन का ही मतलब क्या होता है वॉल्यूम तो अगर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन के अंदर में कंसनट्रेशन नहीं दिया है और वॉल्यूम दिया है तो आप वन अपॉन सी को वॉल्यूम के जगह पे भी रख के कैलकुलेशन कर सकते हो इसीलिए आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आकर नहीं आए तो ये भी तो आ सकता है ना ठीक है चलिए देखेंगे आगे आगे मुझे देखना है रिलेशन को एक्चुअल रिलेशन क्या होता है मुझे देखने का है रिलेशन को तो यहां पे मैंने ये जाना कि जो भी मेरी कंडक्टिविटी होती है ना उसी का मतलब होता है के बाई सी फिलहाल हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं तो यहां पे जो भी आपका कंसेंट्रेशन है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट केस जो मैं पहला केस लिख देती हूँ फर्स्ट केस वैन कंसनट्रेशन ये है आपका फर्स्ट केस जब कंसंट्रेशन जो है आपका सी कंसनट्रेशन का मतलब है मोल पर मीटर क्यूब अगर आपका कंसनट्रेशन है मोल पर मीटर क्यूब तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा के वो फॉर्मूला रहेगा आपका मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू के बाई सी तो आपको देखना है क्वेश्चन में कि अगर आपको कंसंट्रेशन का वैल्यू दे रखा है मोल पर मीटर क्यूब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बट अगर आपको पेपर में आ जाए कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मोल पर सेंटीमीटर क्यूब अगर आपको यूनिट आ जाए ना तो जो भी आपकी कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी उसका मतलब होता है 1000 थाउजेंड के सी बहुत बहुत काम की चीज़ है आप जब क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते हो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है आपको हर बार कन्फ्यूजन होता है तो आपको वहां पे देखना है सी का यूनिट अगर सी का यूनिट है मोल पर मीटर क्यूब तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर में सी का यूनिट दे रखा है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब तो ऐसे केस में आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि वन मीटर का ही मतलब क्या होता है वन मीटर का मतलब होता है हंड्रेड सेंटीमीटर ले लो इसका स्क्रीनशॉट शॉट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जनरली हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें हम लोग आपका यही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो अगर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका फॉर्मूला यही वाला होता है कैलकुलेशन के वक्त ठीक है तो चलिए आप करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल को जो कि है आपके पेज नंबर नाइन्टी थ्री पे प्रॉब्लम फाइव पॉइंट वन डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम फाइव पॉइंट वन को प्रॉब्लम फाइव पॉइंट वन जो कि दिया है पेज नंबर नाइन्टी थ्री पे प्रॉब्लम फॉर फाइव पॉइंट वन ठीक है देखेंगे आपको क्या क्या गिवन डेटा दे रखा है यहाँ पे गिवन डेटा गिवन डेटा में आपको दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ़ 0.05 पॉइंट जीरो फाइव मोलर बी ए सी एल टू सोल्यूशन इज़ आपको कंसंट्रेशन का वैल्यू दे रखा है 0.05 पॉइंट ज़ीरो फाइव मोलर और सोल्यूशन जो है उसका नाम है बी ए सी एल टू सोल्यूशन साथ ही साथ आपको यहाँ पे दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जिसका मतलब क्या होता है उल्टा वी उसका वैल्यू आपको दे रखा है टू टू थ्री ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप इस ओम इनवर्स का ही मतलब साइमन भी लिख सकते हो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या तो आपकी इच्छा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है और आपको पूछा आपको टेम्परेचर भी दे रखा है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूछा गया है कि बताओ कंडक्टिविटी कितनी होंगी कंडक्टिविटी क्या होगी अब सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में क्वेश्चन ये आती है कि भाई मैंने तो दो टाइप की कंडक्टिविटी पढ़ी थी पहली कंडक्टिविटी थी मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरी कंडक्टिविटी थी मेरी मोलर कंडक्टिविटी तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे मुझे कंडक्टिविटी निकालना है बट एग्जामिनर ने बताया नहीं है मुझे कि मुझे कौन सी कंडक्टिविटी यहाँ पे निकालना है तो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है तो आपको कौन सी कंडक्टिविटी निकालना है ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्योंकि उसके तो दो टाइप है मोलर और इलेक्ट्रिकल मोलर दे रखा है तो कौन सी कौन सी कंडक्टिविटी आपको निकालना है इलेक्ट्रिकल पेपर में दिया नहीं जाएगा आपको अपना दिमाग यूज करके आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी कंडक्टिविटी निकालनी है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालनी है जो भी आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फॉर्मूला कहता है कि उल्टा ट्राइंगल इसी का मतलब मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू वन थाउजेंड इन के अपॉन सी ठीक है आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा है इसलिए मैंने कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला यूज किया है अगर कंसंट्रेशन की जगह आपको वॉल्यूम दिया जाता था तो आप वन अपॉन सी को वी से भी लिख सकते थे ठीक है देखेंगे आगे आपको के निकालना है क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालना है तो के को मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं ऊपर भेज दूँगी रो इन टू सी अपॉन वन थाउजेंड ऐसे भी कर सकते हैं मैंने बस इसको ऊपर भेज दिया ठीक है क्योंकि मुझे के के टर्म्स में वैल्यू चाहिए चलिए करेंगे इसको सब्सटीट्यूट के इक्वल्स टू रो इन सी अपॉन वन थाउजेंड आपको मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना दे रखा है मतलब ही उल्टे वी का वैल्यू टू टू थ्री कंसनट्रेशन का वैल्यू कितना दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव अपॉन में है आपका वन थाउजेंड करेंगे इसको सॉल्व जब भी आपको इस टाइप के आ जाते तो हम लोग कैलकुलेशन को ईजी बनाने की कोशिश करते हैं ये है आपका टू टू थ्री इस मेरे को जैसे ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव का टेबल नहीं आता है तो मैं इसको फाइव में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ एक इधर एक इधर कैसे करेंगे फाइव इंटू टेन की पावर मैंने कितने डिजिट से इसको शिफ्ट किया है दो डिजिट से कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट किया है राइट साइड में इसलिए पावर में क्या आएगा माइनस टू मैंने इसको फाइव में क्यों कन्वर्ट किया है क्योंकि मुझे जीरो पॉइंट जीरो फाइव का टेबल नहीं आता है आपको आता है तो आप लोग कर सकते हो मुझे नहीं आता है लेकिन मुझे फाइव का टेबल आता है इसलिए मैंने इसको फाइव टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया ये है आपका वन थाउजेंड मैं इसको टेन की पावर थ्री भी लिख सकती हूँ जब ये टेन की पावर थ्री ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा टेन की पावर माइनस थ्री ठीक है देखेंगे इसको अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान लगता है फाइव थ्री जो फिफ्टीन कैरी वन फाइव टू जर टेन इलेवन फाइव टू जर टेन इलेवन इन टू टेन की पावर माइनस टू माइनस थ्री कितना होता है माइनस फाइव अगर मुझे इसको आगे लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ अगर मुझे जीरो पॉइंट के टर्म्स में लिखना है तो हम लोग वैसा भी लिख सकते हैं या तो आप इसको ऐसे ही लिखो चलता है ठीक है ये रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या इतना इनफ है नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका यूनिट भी तो लिखना है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है साइमेन मीटर इनवर्स ले लो इसका स्क्रीन ठीक है तो यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी वाला पार्ट जो होता है विथ कैलकुलेशंस विद फॉर्मूले जो होता है यूनिट वो सारी चीजें यहाँ पे होती है एंड अब आपका बचता है वेरिएशन कि वेरिएशन जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कैसे होता है कंसंट्रेशन के साथ ये कंप्लीटली थेरोटिकल कंसेप्ट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट छुपा हुआ होता है नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसन अब कैसा है ना मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा सकती हूँ कि पहले मैंने इलेक्ट्रिक पढ़ाया फिर मैंने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाया हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वेरिएशन और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद कंसन दोनों के दोनों पढ़ना है कंबाइंड फॉर्म में कंपेरिटिव वे में इसलिए वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वो वाला पार्ट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड सो so, हम लोग देखेंगे वो वाले पार्ट को नेक्स्ट वाले क्लास में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यर चैनल इफ़ यू हैवेंट यट सब्सक्राइब हाँ लाइक और शेयर तो बनता ही है थैंक यू